किस नहीं, शैलजा जी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए मैं गया था, तो मेरी हार से वो भी परेशान थी और वो मेरे को हौसला दे रही थी, तो मैंने कहा कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं कोई किसी राजा के थोड़ी पैदा हुआ था, मैं तो लोकतंत्र में अपनी मेहनत से बन के आया, दोबारा फिर बन जाऊँगा। आप लगातार निशाना साध रहे हैं कि हार का कारण दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता, हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना, लेकिन मैं कहता हूँ अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो, आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी, तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से आ रही है पार्टी। तो चुनाव आयोग जा रहे हैं, वो तो पार्टी का काम है, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन जनता ने किसको नकारा जिसका चेहरा सामने था, किनका था? वन वे ट्रैफिक थी बापू बेटे की। आप दुपिंदर के सारे भाषण सुन, लोग कहते थे भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, पार्टी की तरफ से जो गाना बज रहा था वो भी कहता हुड्डा सरकार बनेगी, कभी कांग्रेस सरकार का नाम सुना आपने? तो जो आदमी इलेक्शन लड़वा रहा था, इलेक्शन लड़ रहा था, वही नफे का भी हिस्सेदार है और घाटे का भी। शैलजा जी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई जिसको बीजेपी ने भुनाया, वो नुकसान का कारण बनी? पूरा 100% पूरे स्टेट में नुकसान हुआ उसका, मेरे को भी हुआ है, दलित वोट बैंक का। हाँ पूरा। एक आखिरी सवाल, और रैली भी हुई थी, आप इसका भी जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर नाम नहीं लिया गया? अब मेरा नाम नहीं लिया गया रहा, उसके बाद इसी बात को बुनाया गया पूरे हल्के में, भाई हुड्डा साहब ने तो गोगी की वोट ही नहीं मांगी, आप क्यों? अब क्या करना चाहेंगे आप पार्टी? मैं पार्टी का आदमी हूँ, जो भी पार्टी के हित में होगा वो करूँगा और वही बोलूँगा, और पार्टी अगर मंथन में बुलाएगी तो जो जो बात मेरे पास है वो सारी बातें उनके सामने रखूँगा, और पार्टी से मैं अपील भी करूँगा कि ग्राउंड जीरो पे मंथन होना चाहिए, ये नहीं लीपा पोती करके नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप हमारे वरना हरियाणा में कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। जो आप हमारे सामने बात रख रहे हैं उधर भी रखें? खुल ये जब मैं यहाँ रख सकता हूँ तो वहाँ क्या दिक्कत है मेरे, ये तो थोड़ी बहुत इलीगल भी हो सकती है, वहाँ तो सारा कुछ लीगल है।